जय श्री कृष्ण साथियों, मैं मुकेश यादव आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप लोगों से चर्चा करूंगा व भगवान श्री कृष्ण के वंशजों के बारे में बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म यदुवंश में वृष्णि कुल के यादव राजा वासुदेव जी के यहाँ हुआ था तथा इनका लालन पालन उनके चचेरे भाई ब्रज नरेश नंद राय जी के यहाँ हुआ था। महाभारत में यादवों के कई कुल थे, जैसे वृष्णि, अंधक, मधु, छेदी इत्यादि। भगवान श्री कृष्ण का जन्म वृष्णि कुल में हुआ था। वासुदेव जी के पिता का नाम शूरसेन था, जिस कारण इन यादवों को शूरसेनी यादव भी कहा जाता है। आज हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के वंशजों के बारे में। गांधारी और ऋषि दुर्वासा के श्राप के पश्चात द्वारका में यादव आपस में लड़कर मर रहे थे, जिसमें श्री कृष्ण की पत्नियों संग अनिरुद्ध की पत्नी के गर्भ में श्री कृष्ण के पड़पोत्र व्रजनाभ और थोड़े से यदुवंशी बालक ही बचे हुए थे, जिसे अर्जुन अपने साथ हस्तिनापुर ले जा रहे थे। रास्ते में लुटेरों ने श्री कृष्ण जी की पत्नियां गोपियों को लूटा, परंतु जैसे तैसे अर्जुन सबको इंद्रप्रस्थ ले गए। जब व्रजनाभ बड़े हुए तो उनको राजा बनाया गया ब्रज का। आइए हम ब्रजनाभ के वंशजों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बुंदेलखंड अहिरवाड़ा में पाए जाने वाले यादवों ठाकुरों यानी दाऊ यादवों की बात करते हैं, जिनके नाईगांव, रेबाई, अजयगढ़ जैसे बड़े बड़े राजघराने थे। उन्हीं यादव ठाकुरों के साथ कमरिया ठाकुर भी प्रसिद्ध है बुंदेलखंड में, जो श्री व्रजनाभ की पीढ़ी से माने जाते। इन्हीं की एक बड़ी रिबाई टोला जमींदारी थी। बुंदेलखंड में कहा जाता है दाऊ और कमरिया यादव मथुरा से साथ में ही बुंदेलखंड आए थे। थोड़े से ब्रज क्षेत्र में रुक गए थे। आज भी ब्रज क्षेत्र में थोड़े से कमरिया यादव रहते हैं। दाऊ और कमरिया की कुल देवी श्री कैला कंकाली माँ को माना जाता है। बिहार और नेपाल की बात करें तो वहाँ के यादव में श्री कृष्ण के वंशजों का प्रसिद्ध शाखा है, जिन्हें कृष्णोत यदुवंशी भी कहा जाता है। कृष्णोत और मजरोट यादवों की चर्चा हमने अक्सर मैथिली ब्राह्मणों के मुंह से सुनी है, जिसमें वह कृष्णोतों के वीरता और रुतबा का चर्चा करते नहीं थकते। इनकी कुल देवी होती है महाकाली माँ। अब मथुरा से विस्थापित हो भगवान श्री कृष्ण के वंशज नेपाल में बस गए थे। वहाँ गुप्त आभीर राजवंश बसाया, जिन्होंने सर्वप्रथम सिंह की उपाधि धारण की, जो कि शिलालेखों में इन आभीरों को चंद्रकुल दीपक तक लिखा हुआ है। इसके साथ ही इनका 2 से 3 बार मथुरा से बिहार में माइग्रेशन भी हुआ है। कृष्णोत यादवों के प्रसिद्ध घराने परसादी राज रियासत, गोसाईपुर दरबार, श्रीखंड स्टेट इत्यादि। बाद में कृष्णोत और मजरोट अहीरों में से कुछ अहीर बंगाल में जा गोप भूम बसाए और वहाँ बाद में सदगोप कहलाए। राज नारजोल और कालिकापुर स्टेट जैसी जमींदारी बसाई। वहीं हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो पश्चिमी यूपी में अहर यादवों का सबसे शक्तिशाली महाराज बुद्ध नामक अहर राजा ने बंदायू शहर बसाया था। अहर यादवों को ब्रजनाभ जी का वंशज माना जाता है। इनके सिंहोदरा राज, भिरोटी राज, शाहपुर बमेटा जैसे बड़े बड़े राजघराने थे। आइए अब इज़राइल ऑफ इंडिया कहे जाने वाले अहिरवाल के बारे में बात करते हैं। अहिरवाल क्षेत्र में भी कुछ गोत्र जैसे आफरिया, खोड़ा, नूनीवाल भगवान श्री कृष्ण जी की पीढ़ी के हैं। मध्यकाल के आरंभ से देश की आज़ादी तक राज करने वाले रेवाड़ी रियासत के यदुवंशी राजाओं की अनेकों वीरता सुनने को मिलती है, जिनमें राजा राव तुलाराम, राजा गोपाल देव और राव किशन सिंह जी का नाम सबसे पहले आता है। रेजांगला युद्ध में भी अधिकांश यादव अहिरवाल क्षेत्र से ही थे। इनमें अलग अलग गोत्र के अलग कुल देवी है, जैसे खोड़ा गोत्र की कुल देवी माँ कंकाली है। वैसे ही हम गुजरात के अहिरों के बारे में बात करते हैं। गुजरात के अहिर जिनकी वीरता के किस्से जितने सुनाए जाए कम हैं।
देवायात बोदार जैसे वीरों की गाथाएं भरी है यह भूमि से। बोदार ढेर डांगर गोत्र के अहीर को गुजरात में श्री कृष्ण का वंशज माना जाता है। इनमें अधिकांश गोत्रों की कुल देवी माँ चामुंडा थी। इसके अलावा कुछ वृष्णी यादवों को दक्षिण की ओर रुख हुआ, जैसे कि वहाँ पे उन्होंने देवगिरी, विजयनगर और वाडियार राजवंश जैसे बड़े साम्राज्य बसाए थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही इस पर पार्ट 2 की पूरी जानकारी के साथ लाएंगे।